आज पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, लास्ट रे डायग्राम ऑफ जो किसका है, कंकेव मिरर का। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना, अगर होगा इन्फिनिटी पे, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमें बताना है नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड पोजिशन ऑफ इमेज। तो हमें पता नहीं है इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है तो नीचे भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वक्त पुट के बदले लिखेंगे लेट। तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी थोड़ा बहुत और नीचे भी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ए बी। चलो लिखते हैं लेट ए बी बी एन ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, क्योंकि पता नहीं है इन्फिनिटी कितना दूर है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। क्योंकि हमें एग्जाम में डायग्राम दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या करेंगे हम रूल्स को फॉलो करेंगे। ये आपको पता है कर्वेचर कैसे बनाना है, फोकस कितना रखना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना रखना है, ये आपको पता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पैरेलल रे। तो मैंने रे ऑफ लाइट पैरेलल डाली टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट से, तो या इन्फिनिटी से पैरेलल आती है, तो क्या हो जाएगा, रूल क्या बताता है, रूल बताता है इट विल गो थ्रू फोकस। तो वही लिखेंगे ड्रॉ अ रे और लेट अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ड्रॉ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस। तो ये चीज आपको पता ही है। तो दूसरा पॉइंट, चारों रूल्स में से दो रूल अपनाने हैं, कोई भी रूल दो रूल अपना सकता। तो मैं नीचे बी से एक और लाइन डालता हूँ, वो भी मैं पैरेलल डालता हूँ, तो दोनों जो डायग्राम है या दोनों सिस्टम्स में, दोनों सूरतों में मैंने पैरेलल ही ले लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो मैं लिखूंगा ड्रा अनदर रे ऑल्सो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आए मिलेगा आपको साइन कन्वेंशंस ऑफ कॉनकेव मिरर्स और मिरर्स, और मिलेगी लीनियर मैग्निफिकेशन, उसके बाद करेंगे हम मिरर फार्मूला को डिराइव। तो यहाँ पे डाल दिए हमने पैरेलल रे, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जाएगी फोकस से पास। तो यहाँ पे तो ये भी फोकस से पास होती है, तो ये वाली रे फोकस से गुजर गई और ये वाली रे इसी फोकस से गुजर गई। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बना दिया, इन्होंने खुद इंटरसेक्ट किया और एक डॉट बन गई इमेज, तो परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, द टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्टेड एट फोकस, फोकस पे ही हमारी इमेज होगी, विच इज देयर रिक्वायर्ड इमेज। तो ये आपको समझ में आएगा, तो परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर, बिकॉज ये बन गया एक डॉट बन गया यहाँ पे। तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर हमेशा नेचर होगा रियल, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन खुद हो गया। तो रियल, रियल क्या होता है, रियल होती है इनवर्टेड। साइज क्या लिखेंगे, साइज बन गया बिल्कुल एक डॉट बन गया, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिशड। और पोजिशन ऑफ इमेज, पोजिशन कहाँ बनती है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हैं तो पोजिशन ऑफ इमेज हो रही है एट फोकस, याद रखना। तो हमने छह रे डायग्राम्स पढ़े, छह में से पांच रे डायग्राम्स, जो पांच रे डायग्राम में सारी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन
एक ही इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि हम रखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। थैंक यू।